हेलो दोस्तों, तो मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि हम कंपेयर करेंगे BS6 हीरो पैशन प्रो को BS6 बजाज प्लैटिना एचगर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको काफ़ी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बेहतर पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन बाइक में कलर ऑप्शंस की, तो हीरो पैशन प्रो में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहला है स्पोर्ट्स रेड, दूसरा टेक्नो ब्लू, तीसरा मून येलो और चौथा ग्लेज ब्लैक। वहीं बजाज प्लेटिना में आपको 2 ही कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि पहला है ब्लैक विथ ब्लू टेकल्स और दूसरा है ब्लैक विथ बरगंडी टेकल्स। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि पैशन प्रो में आपको ज़्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपना मनपसंद कलर परचेस कर सकते हैं। तो यहां पर एक नज़र डालते हैं बाइक के लुक्स एवं स्टाइलिंग के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं पैशन प्रो के लुक्स को, जो कि पूरी तरह से कंपनी ने चेंज कर दिया है, जिससे कि यह बाइक पहले के मुकाबले काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और वहीं बात करें बजाज प्लेटिना के लुक्स की, तो यहां पर कंपनी ने माइनर चेंजेस किए हैं, जैसे कि इसका हेडलाइट सेक्शन और इंडिकेटर डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बाकी ओवरऑल गाड़ी सेम है। तो यहाँ ओवरऑल लुक्स एवं स्टाइलिंग के मामले में बात करें तो पैशन प्रो विनर बनती है, क्योंकि इसका लुक्स काफ़ी दमदार लग रहा है, जिससे कि आपको महसूस होगा जैसे कि आप कोई ऊपर सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं। तो अब इन दोनों बाइक्स के इंजन एवं गियरबॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैशन प्रो में आपको 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 9.02 bhp का पावर देता है और 9.79 nm का टॉर्क देता है। और यह बाइक आपको मिलता है 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। और वहीं बात करें प्लेटिना के इंजन एवं गियरबॉक्स की, तो यहाँ प्लेटिना आपको 115 सीसी का GTSI सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 8.6 bhp का पावर देता है और 9.8 nm का टॉर्क देता है। और वहीं बात करते प्लेटिना के गियरबॉक्स की, तो इसमें आपको 4 स्पीड का नहीं बल्कि 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, जो कि एक बड़ा फ़ायदा आपको प्लेटिना के साथ मिलता है, क्योंकि यह 4 स्पीड गियरबॉक्स के मुकाबले काफ़ी स्मूथ रहता है चलाने में। तो दोस्तों अब बात करें इन दोनों बाइक्स के वजन की, तो पैशन प्रो का वजन है 117 kg, वहीं प्लेटिना का वजन है 122 kg। तो यहाँ पर पैशन प्रो आपको प्लेटिना से लगभग 5 kg हल्का पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं इन दोनों बाइकों की सस्पेंशन की ओर। तो यहाँ पर पैशन प्रो के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर मिलते हैं, और इसके रियर में स्विंगर विद 5 स्टेप एडजस्टेबल वाला हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर मिलता है। तो दूसरी तरफ प्लेटिना के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में नाइट्रोक्स वाला सस्पेंशन मिलता है, जो कि स्पेशली कम्फर्ट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर दोनों बाइक के सस्पेंशन बेस्ट है सभी तरह के सड़कों के लिए। फिर भी कंपैरिजन में देखा जाए तो प्लेटिना का सस्पेंशन ज़्यादा कम्फर्टेबल है लॉन्ग टूर के लिए। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं इन बाइक्स के टायर्स और ब्रेक्स की। तो पैशन प्रो के फ्रंट और रियर में आपको 18 इंच के अलॉय मिलते हैं, जिसके फ्रंट ब्रेक में डिस्क और ड्रम दोनों का ही ऑप्शन दिया जाता है। वहीं इसके रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो दूसरी तरफ प्लेटिना के फ्रंट और रियर में आपको 17 इंच का ही अलॉय मिलता है, जो कि 1 इंच से छोटा है पैशन प्रो के मुकाबले, पर यह कोई उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो वहीं ध्यान दें इसके ब्रेकिंग की ओर, तो इसके फ्रंट ब्रेक में भी आपको डिस्क और ड्रम दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसके रियर में आपको 110 mm का ही ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि 20 mm से छोटा है पैशन प्रो के मुकाबले। तो यहाँ पर टायर्स एवं ब्रेकिंग के मामले में देखा जाए तो पैशन प्रो थोड़ा आगे निकल जाती है। तो फ्रेंड्स अब बात करें इन बाइक के फीचर्स की, तो यहाँ पैशन प्रो में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव डिजिटल एनालॉग मीटर मिलता है, जो कि आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है। अगला आपको इसमें वी शेप का LED टेल लैम्प मिलता है, साथ ही में इसमें आपको IPS टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि आपकी थोड़ी बहुत फ्यूल सेव करने में मदद करती है, और IBS सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि आपकी ब्रेकिंग को और इम्प्रूव कर देता है। और साथ ही में इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाता है। तो वहीं मैं बात करूँ प्लेटिना एच गियर के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको डिजिटल एनालॉग मीटर मिलता है, जो कि आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देती है, और साथ ही में यह आपको गियर पोजिशन भी इंडिकेट करती है, मतलब कि यह आपको शो करेगी आप कौन से गियर में चल रहे हैं। और फ्रंट में DRL भी मिल जाता है, और साथ ही में इस मोटरसाइकिल के लाइट को भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, यानी DRL ऑन रहेगा तो लाइट ऑफ रहेगा, अगर लाइट ऑन रहेगा तो DRL ऑफ रहेगा। तो यह काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। तो अब बात करें इस बाइक के सीट की, तो यह स्पेशली कंफर्ट के लिए ही डिज़ाइन की गई है, ताकि आप लॉन्ग टूर में काफ़ी कंफर्टेबली राइड कर सकें। तो अगले फीचर की बात करें तो इसके टैंक पर आपको टैंक पैड देखने को मिलता है, जो कि आपकी बाइक के टैंक को माइनर स्क्रेचेस से बचाता है। तो इस बाइक में नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो इसके टैंक पर जो इसका बैजिंग है प्लेटिना का, वो 3D में है। तो दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों बाइक्स में फ़ीचर्स की, तो प्लेटिना बहुत आगे निकल जाती है पैशन प्रो के मुकाबले। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, जो कि है माइलेज। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ आपको एक समान माइलेज देंगी, 65 से 70 KMPL का, जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से एक अच्छा माइलेज माना जाता है। तो दोस्तों आप एक नज़र डाल लेते हैं इन बाइक्स के डायमेंशन की ओर।
तो यहाँ पैशन प्रो में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और वहीं बात करें व्हील बेस की, तो इसका व्हील बेस है 1270 mm का और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की। वहीं दूसरी तरफ प्लेटिना में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और वहीं इसके व्हील बेस की बात करें तो वो है 1255 mm का और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की। तो अब बात आती है इन बाइक के प्राइसेस की, तो हीरो पैशन प्रो में आपको दो वेरियंट मिल जाते हैं। एक है ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट जिसका एक शोरूम कीमत है 65,000 रुपया और दूसरा है डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट जिसका एक शोरूम कीमत है 69,000 रुपया। तो वहीं बजाज प्लेटिना एच गियर के प्राइस की बात करें तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट जिसका एक शोरूम कीमत है 61,000 रुपया। तो यहाँ इन दोनों बाइक के प्राइसेस में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का अंतर आता है। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर, जो कि है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टाइलिश बाइक चाहते हैं, एक हीरो का ट्रस्ट चाहते हो और आपको उतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं फीचर्स है, तो आप बेशक हीरो का प्रोडक्ट ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कम मेंटेनेंस वाली बाइक चाहते हो और आपको फ्यूल इंजेक्शन वाला टेंशन नहीं पालना चाहते हो, तो आप प्लेटिना ले सकते हैं, क्योंकि यह एक काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है और हर तरह की सड़कों पर चलने के लिए एकदम मस्त बनी है। और साथ ही में आपको एक अच्छे खासे प्रैक्टिकल फीचर भी मिल जाते हैं जो कि आपको डेली यूज में काफ़ी काम आएंगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।